दिख रहा है, लेकिन बीजेपी 240 से पहले अभी चमकती दिख रही है। लेकिन रुझानों में एनडीए 294 सीटों पर है और लगातार बहुमत बनाए हुए हैं। 294 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। हालांकि ये आंकड़ा जो है ऊपर नीचे भी हो रहा है, कभी 291 कभी 292-93 भी हो रहा है। तो एनडीए के लिए कम से कम ये राहत की बात है कि सरकार वो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटबैक, क्योंकि लहर की बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि 370 अकेले दम पर बीजेपी की आएंगी और उसके साथ साथ 400 पार का नारा लगातार दिया गया और उसका असर ही है शायद, जहां पर फिलहाल कम से कम 240 सीट कम से कम बीजेपी जीत रही है। इंडिया गठबंधन को 230 सीटें या फिर उसी के आसपास आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के इतना साफ नजर आ रहा है कि जनादेश तो दिया गया है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों के दम पर सरकार बनानी होगी। लेकिन यूपी की स्थिति देख लीजिए, बीजेपी 34 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त है। पिछली बार 2019 में महज एक सीट, लेकिन उसके बाद अब 7 सीटों पर। यूपी के जो रुझान है उसमें बड़ा उलटफेर लगातार है, सपा 35 सीटों पर आगे है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क जो नतीजों में दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी को मिल रही 35 सीटों की वजह से ही। और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला दें तो दोनों ही मिला करके तकरीबन 42 सीटें होती हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है साउथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदें दोनों ही, और क्योंकि दो दल नहीं वहां पर कई पार्टीज है जो कि हम देखते हैं उनके रुझान, उनके जो रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं या पुराने पास्ट की बात करें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में सपा की जो 35 सीटें बताई जा रही हैं आगे बढ़ती नजर आ रही है सपा, और शुरू में भी हमने देखा था जो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, रायबरेली सीट जिस पर नजरें टिकी हुई थी, राहुल गांधी ने दोबारा यहाँ पर अब इस बार काल ठोकी और दिनेश प्रताप सिंह ने, उनके ओपोनेंट थे बीजेपी से प्रत्याशी, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और रायबरेली की जनता से माफी मांगी है। कुल मिलाकर के अब परिस्थितियां साफ हो रही है, तस्वीरें और साफ हो रही है लगातार, जैसे जैसे अलग अलग राउंड्स की जो काउंटिंग है वो पूरी हो रही है। कुल मिलाकर के ये जो टैली है वो तकरीबन इंटैक्ट है, एक दो नंबर ही ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन रायबरेली सीट जो कि कांग्रेस की एक लगातार परंपरागत सीट रही, इससे पहले सोनिया गांधी वहां पर सांसद थी लेकिन इस बार उन्होंने छोड़ा और राहुल गांधी ने कमान संभाली और इस बार रायबरेली। और वो बयान भी आपको याद होगा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, कहीं ना कहीं जनता ने उस बात को स्वीकार भी किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वायनाड और रायबरेली की बात करें तो शुरुआती रुझानों से ही जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में ही जाते नजर आ रहे हैं। और ये अमेठी पर प्रियंका गांधी का पोस्ट भी सामने आया है, किशोरी भैया आपकी जीत पर मुझे शक नहीं था, किशोरी लाल क्योंकि यहाँ पर आगे चलते दिखाई दिए। फिर अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है 87,000 वोट से। और प्रगति यहाँ की अमेठी की सीट पर जो इस वक्त जनादेश आ रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ही वो चेहरा थी जिन्होंने एक बहुत बड़ा डेंट दिया था और राहुल गांधी को हराया था। भले ही वहां पे जीत का मार्जिन उनका बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के गढ़ से वो सीट सीन करके अपने पाले में लाना एक बहुत बड़ा वहां पर उन्होंने काम करके दिखाया था। लेकिन इस बार जब गांधी परिवार से भी कोई मैदान में नहीं था, हालांकि प्रियंका गांधी वहां पर कैंप कर रही थी, एक तरीके से दो स्थितियां देखने को मिली। किशोरी लाल की बात करें तो वो भी बहुत पहले से वहां पर काम कर रहे थे, उसकी यही खासियत है। किशोरी लाल को अगर आप देख ले तो राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में रहते हैं और अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो किशोरी लाल ही हैं जो जनता के बीच रहते हैं। भले वो वहां से सांसद नहीं रहे लेकिन जनता के बीच रहे, संगठन के बीच रहे, लोगों